हेलो फाउंडर्स, तो कैसे आप लोग? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे नाइट लाइव जो हुआ था, जहाँ पर होस्ट करते हैं रॉन एंड लीन लीन नाकामोटो, आप सभी जानते हैं यूएसए से है। तो वो उसका जो वेबिनार फ्राइडे नाइट लाइव होता है, वहाँ पे ऐसे लाइव आए थे और वहाँ पे आके जो डिस्कशन हुआ था वो है कॉर्पोरेट वेबिनार के बारे में। जो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार था, उसके डिस्कशन होने के बाद काफ़ी देर तक कोई फाउंडर्स का ओपिनियन नहीं आया था, मतलब देने का चांस नहीं मिला था। ऐसे बहुत शेड्यूल्ड बिजी थे, तो शेड्यूल टाइट थे, इसलिए कॉर्पोरेट वेबिनार में यहाँ पर के वो रिव्यू लेना चाहते थे और बात किया उसके बारे में। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे बातें हुई, बहुत सारे अपडेट निकल के सामने आई हैं जो आपको अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आप कंपनी का एक फाउंडर हो और आप जानते होंगे कि डॉक्टर सुहा मैम ने कहा है कि आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी हो। तो जो अपडेट्स है सुनने को अच्छा लगेगा। मैं पूरा टाइम देख के वीडियो उसे बना रहा हूँ, तो टाइम लग गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ दीपायन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपायन ऑन पैसिव पर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमेशा लाइक करते रहो वीडियो को, एंड वीडियो कैसा लगा वो बताना मत भूलना, कमेंट में कमेंट करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत कुछ अपडेट वहाँ पे जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट जो वेबिनार का रिव्यू, पहले तो बात चल रहा था ऑन जॉय एंड ओ अकेडमी के डिस्कशन चल रहा था जी। ये ऑन जॉय एंड ओ अकेडमी अपकमिंग जो फ्यूचर है, अपकमिंग जो जनरेशन है, जो चाइल्ड आने वाला है, आ रहा है, जो अभी चाइल्ड है, तो इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसके बारे में बात कर रहा था। तो तब एस सर आए और एस सर आके उसके ऊपर बहुत सारे बातें की कि हमारा वो प्रोडक्ट जो ऑन जॉय है, ऑन जॉय के ऊपर उन्होंने बात कहा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरटेनमेंट, एडुकेशन, केयर सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, एक जगह पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, वही ऑन जॉय है। जैसे कि आप जानते हैं हॉटस्टार G5 वाला जैसा वो फीचर है, या लाइव टीवी के जैसा हमेशा वीडियो आते रहेंगे, आपको नॉलेज मिलते रहेंगे। जो मदर है और उसका चाइल्ड है, जब चाइल्ड बड़े होते जाएंगे उसका भी नॉलेज मिलते रहेगा, जब चाइल्ड बच्चे होंगे एकदम छोटा, तो उसका माँ वो चैनल देखने के बाद, वो सीखने के बाद काफ़ी घंटे, मतलब हर एक दिन में 1 से 1.5 घंटे, ऐसा पहले भी बोला था कि हर एक दिन में 1 से 1.5 घंटे वहाँ बिताएगा, 2 घंटे तक बिताएगा, क्योंकि वहां से उसका चाइल्ड का डेवलप होंगे। जैसे डेवलप होता है हर एक चीज का नॉलेज, वहां पर क्या खाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, अभी इस वक्त क्या क्या एडुकेशन बेनिफिट है, क्या क्या और मेडिसिन बेनिफिट, सब कुछ आपको वहां पे ऑन जॉय पर मिल जाएगा, एक जगह पर हर एक का सोल्यूशन। तो ये ऑन जॉय है तो बहुत अच्छा फीचर्स होने वाला है। इसके साथ साथ एसन ने बताया उसके बेटे के बारे में कि उसका बेटा जो है उमर मुफर, आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं जो काफ़ी दिन से जुड़े हैं, तो वो इतना इंटेलिजेंट है, पहले भी मैंने बोला उसके बारे में बहुत कुछ वीडियो में, तो उमर मुफर इतना इंटेलिजेंट है, वो इतने टाइम इतने उम्र है, लगभग 8 साल के होंगे शायद, मुझे जो भी है एज का कन्फर्म नहीं हूँ। तो वो क्या है, वो एक ऑलरेडी पॉडकास्ट के साथ जुड़े हैं, ठीक है, और वो एक को ऑथर भी है, एक बुक पब्लिश हुआ है अमेरिका में, उसका को ऑथर भी है एंड पॉडकास्ट का शायद आपको मालूम नहीं होंगे बहुत लोगों को, पॉडकास्ट एक जैसे वेब सीरीज होता है ना, जो वीडियो का सीरीज, लेकिन ये वेब सीरीज नहीं, ये म्यूजिक सीरीज है, मतलब आप एक के बाद एक ऑडियो रिकॉर्ड करके स्टोरी के माध्यम से डालते जा रहे हो, तो उसको पॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो एक ऑलरेडी को ऑथर भी, एक बुक भी पब्लिश हुआ है, और ऐसा ये भी शेयर किया कि अमेरिकन एक ऑथर है जो एजुकेशनल कोच भी है, ऑथर भी है, जो रिटायर्ड हो चुका है, वो कमेंट किया है कि आई वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद उमर, मतलब मेरे जिंदगी के बाकी जो रिटायर्ड होने के बाद जो बाकी को जिंदगी है वो उमर के साथ बिताना चाहता हूँ। तो ये एक पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड का मोमेंट होता है कि इतना ज्यादा एक रिच पर्सन, एक काफी ज्यादा माने गुने जो पर्सन है, जो इसका सभी लोग जानते हैं, एक ऑथर है, वो अगर बोल रहे हैं कि उमर के साथ बिताना चाहता हूँ रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो कितना खुशी की बात है एक पेरेंट्स के लिए, है ना। तो ये सब बातें हो रहा था, उसके बाद वो अकेडमी के ऊपर बातें हुए कि वो अकेडमी के, उन बोला कि टीचर जो होंगे वो अकेडमी पे वो ग्लोबली होंगे, मतलब हर एक दुनिया के हर एक कोने से टीचर रहेंगे, एंड वो ओपन फॉर ऑल होंगे, कोई भी यहाँ पर आके पढ़ सकता है, कुछ भी चीज़ सीख सकता है, जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, मतलब आप कुछ भी चीज़ एडुकेशन पर्पज सीखना चाहते हो, स्किल पर्पज पर्सन सीखना चाहते हो, आपका जो नॉलेज बढ़ाना चाहते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन में आप जाओ, एडुकेशन सीखना चाहते हो, तो वो अकेडमी आपके लिए हमेशा है, एंड इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप जब सीखना चाहते हो, जब जहां पर जैसे भी टाइम पे आप मिला, शायद आप ऑफिस में जा रहे हो, आप बाद में जानना चाहते हो तो बाद में पढ़ लो, क्योंकि आपके पास ऐप होंगे, वेब सीरीज सब सिस्टम रहेंगे, तो आप सीखना चाहते हो। इसके ऊपर क्या ग्लोबली जैसे कि टीचर रहेंगे, उसके तो आप ट्रांसलेशन प्रोसेस रहेंगे, वो भी आप जानते होंगे, एंड ये एक ओपन माइंडेड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका कोई भी नैरो माइंडेड नहीं है, चीज नहीं है, आपको ओपन ओपन माइंड सोर्स है। ठीक है, तो बहुत
बहुत अच्छे होंगे। इसके बारे साथ साथ उन्होंने बताया कि फिनलैंड के बारे में, जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम, सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम, स्विट्जरलैंड एजुकेशन सिस्टम, ये यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, तो उसके उसके ऊपर डिपेंडेंट ये न, उसके ऊपर बेस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर वो डिस्कशन हुआ है, उसके जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है उसके प्रभावित होकर हमारा कंपनी ने ये सिस्टम निकाला है, कैसे और भी हम ओपन तरीके कर सकते हैं, जैसे हमारा जो स्टूडेंट जो सीखने वाले जो लर्नर होंगे जो बेस्ट लर्निंग ले सके यहाँ से, ठीक है। इसके बाद और भी कुछ बातें हुआ, जैसे कि वो कनेक्टिव पर कुछ बातें पीतर सूर सर ने कर रहे थे, पूछ रहा था, तो उन्होंने सर ने बताया कि बेस्ट होंगे वो कनेक्ट जो होंगे वो हमारा बेस्ट टूल है, बेस्ट टूल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फीचर्स, आप शायद मैंने पहले भी बोला है वो कनेक्ट के फीचर्स के बारे में, और भी कुछ बातें यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब कोई भी लैंग्वेज में बातें करें, मतलब एसर ही बातें कर रहे हैं, तो एसर का जो स्पीच है वो ऑलरेडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे पीटर सुरु लिख लिख के अपडेट देते हैं वो नहीं देना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा जब ये टूल आएंगे। ऐसा बातें कर रहे हैं उसके बाद स्पीच आ गया, ठीक है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो आप स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ में, और वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो पीटर सुरु सर का अपडेट भी देना नहीं पड़ेगा, वो एक साथ एक पीडीएफ में आ जाएगा, और आप चाहते हो तो वो भी आप एक ट्रांसलेशन करके आप इंग्लिश से हिंदी, बंगाली, कोई भी ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट यूज करो, ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ये तो पहला फीचर्स हो गया। दूसरा जो फीचर्स है, जो धमाकेदार फीचर्स मैं बोल रहा हूँ, है ना, पिछले तो बहुत सारा वो कनेक्टिव फीचर्स बताया, लेकिन इसके अलावा स्पीच टू ट्रांसलेशन मोड होंगे, कोई भी लैंग्वेज में अरेबिक, जो जब अरेबिक में बातें होता है हम कुछ समझ में नहीं आता है हम लोगों को, इंडियन वालों को, क्योंकि हम अरेबिक नहीं जानते, लेकिन वो अरेबिक आप हिंदी में सुन सकते हो, इंग्लिश को हिंदी में सुन सकते हो, ये ट्रांसलेशन फीचर्स भी रहेंगे, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, ऑटो ट्रांसलेशन, तो ये सब फीचर्स जब आएंगे मार्केट में, ये सब फीचर्स जूम पे नहीं है, आप जैसे जानते होंगे कि गूगल मीट एंड जूम ही है, तो जूम ज्यादा पैसा कमा रहा है क्योंकि ज्यादा लोगों को कैप्चर किया है, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा फीचर्स नहीं है जो हमारे पास है, तो इसलिए मार्केट कैप्चर करने के लिए हम कितना ज्यादा एग्रेसिव है आप समझ पा रहे, कितना ज्यादा फीचर्स हमारे पास है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एसएन ने बताया कि बेस्ट एम्प्लॉय दुनिया से ढूंढ ढूंढ के मैंने बेस्ट एम्प्लॉय निकाला है, और वो हमारे कंपनी के साथ जुड़े हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एडवांस फीचर्स एआई टूल एसएन ने निकाला है, जो 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 ऐसे ऐसे फीचर्स होने वाले हैं कि आप ताज्जुब हो जाओगे। और एक बात है, ऑनजॉय जैसे प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे जो ऑनजॉय जो प्लेटफॉर्म है, इस ऑनजॉय प्लेटफॉर्म के अलावा और भी बहुत सारे सरप्राइज एसर के पास है, एसर ये बोला है, ठीक है, कि मेरे पास और भी सरप्राइज है ऑनजॉय के टाइप, तो और भी सरप्राइज हो रहा है हमारे लोगों के लिए, है हम फाउंडर्स के लिए, है एसर के पास, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आगे जो दिन आने वाला है, आगे जो साल आने वाला है, टोटली एआई के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है, और हम एआई का सोल्यूशन है, तो दोनों चीज़ मिला के ये हो जाता है कि वी आर द सोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ऐसे ही नहीं बोला जाता है वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसलिए बोला जाता है कि वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, वी ओन द इंटरनेट, हम इंटरनेट ओन करेंगे, ठीक है, हम पूरे, हम लोगों को, वी आर नॉट हंटेड, वी आर विल बी हॉन्टेड, मतलब हम लोगों को खोज खोज के निकाला जाएगा और हमसे प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं बोलते, विजनरी प्लान है। आप जैसे कि डॉक्टर तारिक को जानते होंगे, अगर पिछले वेबिनार आपने देखा होगा कि तारिक एक ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट है, एक ग्लोबल बिजनेस प्लानर है, ठीक है, तो उनका 42 कंट्री में काम किया, 17 बुक्स है उनके पास, ठीक है, वो राइटर भी एक है, और 56 कंपनी के साथ काम कर चुके होंगे, तो सोचो ये जो लोग है ये फुल टाइम बिजनेस कंसल्टेंट है हमारे कंपनी के, तो सोच सकते हो फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो सभी चीज एक टाइम पे जुड़ जाएंगे, जब जैसे आप देख पा रहे हो सब चीज एक साइड पे आ रहा है, तो एक साइड पे एक टाइम पे सब जुड़ जाएंगे, तो धमाका होंगे, सरप्राइज के लिए वेट करो, सब सरप्राइज आएंगे, एक 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 करके सब कुछ आएंगे, टाइम पे आएंगे, लेकिन धैर्य रखो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हो आपको अपडेट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करो कैसे लगा, बोला कोई दिक्कत है तो पूछना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ, या दीपा नॉन पैसिव टेलीग्राम का नाम है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।